गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा दर सिंह और हम आपकी वर्कशीट नंबर 57 करेंगे। यहाँ पे आपको एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने को मिलेगी जो आपको एक बढ़िया सी सीख भी देगी। द नेकलेस चैप्टर का नाम है आपका। इसमें मटिल्डा जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो बड़ी खूबसूरत होती हैं और उनके ख्वाब जो होते हैं वो भी बड़े खूबसूरत होते हैं। एक रिच आदमी से शादी करने का उनका एक ख्वाब होता है, हालांकि वो पूरा नहीं होता है। तो उनकी जो हस्बैंड होते हैं वो एक क्लर्क होते हैं, उनसे शादी हो जाती है। तो एक बार उनको एक पार्टी से इनविटेशन आता है, तो वो सबसे सुंदर लगना चाहती है जो कि हर लड़की चाहती है, ठीक है ना। लेकिन हर लड़की मटिल्डा जैसा काम नहीं करती है। तो होता क्या है, मटिल्डा अपनी फ्रेंड के पास जाती हैं और उनसे एक नेकलेस बोरो कर लेती है, ठीक है, उधार ले लेती है। अब वो नेकलेस जो है वो पार्टी में गुम हो जाता है और वो उनको लगता है कि ये हीरो के हार का महंगा सा नेकलेस है, ये गुम हो गया, अब मैं क्या मुंह लेके अपनी फ्रेंड के पास वापस जाऊं, ठीक है। तो वो अपनी फ्रेंड को कन्फेस नहीं करती है कि उनका जो नेकलेस है वो गुम हो गया है। और वो क्या करती है, वो जो कर्ज है वो सोचती है कि मैं इतने पैसे कमा लेती हूँ जितने का ये नेकलेस होगा और उसके बाद मैं अपनी फ्रेंड के पास जाऊंगी। और इस चक्कर में वो बेचारी बूढ़ी हो जाती है। 10 साल बाद उसके पास इतने पैसे इकट्ठे होते हैं और उन पैसों को इकट्ठा करने के लिए वो उसके हस्बैंड दोनों ही बहुत मेहनत करते हैं। मटिल्डा हर तरीके का काम करती है, एकदम टेंशन में जीवन बिताती है अपना। तो ये देखो, बाद में जब वो उस हार को वापस देने जाती है तो उसकी फ्रेंड कहती है, अरे उसकी टेंशन लेने की जरूरत ही क्या थी, वो तो नकली था। तो सोच के देखो, यहाँ पे एक तो पहली बात, अपना जैसा उसका जीवन था उसको एक्सेप्ट ना करके वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ को इमेजिन कर रही थी कि मुझे ऐसी लाइफ मिल जाए जो सॉरी जो खुद थी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, है ना। और अगर गुम हो भी गया था तो सीधे सीधे जाके बता देना चाहिए था, है ना। वहां पे वो हम ऐसा ही करते हैं लाइफ में, टेंशन ले लेके ले लेके, जो जिस चीज की जरूरत भी नहीं होती वैसे ही टेंशन लेते रहते हैं और जितना हमारे पास होता है उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते, उसको हम एंजॉय नहीं करते हैं। जो नहीं है उसके लिए भागते रहते हैं हमेशा, उसके लिए सारी उम्र इसी तरीके से हम भागते रहते हैं। तो ये स्टोरी हमें एक बहुत बढ़िया सा मैसेज देती है कि जो हमारे पास है उसको एंजॉय करो और खुश रहो, ठीक है। खुश रहने में ही जिंदगी है। तो चलिए अभी देखो, यहाँ पे कुछ वर्ड दिए हुए हैं, यहाँ पे आप इन वर्ड्स की मीनिंग करेंगे पहले तो, ठीक है, उसके बाद फिर हम यहाँ पे इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। एक ही क्वेश्चन है तो ये देख लीजिए। मटिल्डा जो होती है, यहाँ पे आ जाइए। Matilda is invited to a grand party. She has a beautiful dress but no jewelry. She borrows a necklace from her friend and loses it. ठीक है, तो मैंने आपको पूरी स्टोरी सुना दी है। तो यहाँ पे क्या करना है, कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, फ्रॉम द स्टोरी आर गिवन बिलो विद देयर मीनिंग, यूज देम इन द सेंटेंस ऑफ योर ओन। आपको इनको यूज करना है। एडोन, एडोन का मतलब होता है मेक मोर ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव। कोई चीज आपने साथ में ले ली है तो वो और ज्यादा, मतलब उसके लेने से आपको और ज्यादा वो ब्यूटीफुल लग रही है। On the day of Diwali, we adorn our home with flowers. हम क्या करते हैं, सजा देते हैं, सजाना एक तरीके से, make more beautiful, है ना? हम सजा देते हैं किसको, अपने घर को, flowers से। Midst होता है in the middle of something, किसी चीज के बीच में। We are in the midst of planning a vacation. हम लोग planning को ही बीच में थे, हम planning कर रहे थे उस time पे, ठीक है ना। Vexed, the state of being annoyed. मतलब गुस्सा हो जाना किसी चीज से। अब जो बच्चे हैं, टीचर को कई बार गुस्सा दिला देते हैं क्लास में, बातें करते रहते हैं। टीचर्स आर वेक्स्ड विद नॉटी किड्स इन द क्लास। एकेस्टिक, एन ओवरवेलमिंग फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस और जॉय, एक्साइटमेंट, बहुत ज्यादा खुशी होना एक तरीके से। आई वॉज एकेस्टिक अबाउट माई न्यू टॉयज। छोटे बच्चे होते ही अपने खिलौने को लेके, वीडियो गेम को लेके। वेस्टिबुल, वेस्टिबुल क्या होता है, एक एंटी चैम्बर होता है, एक होल होता है, और लोबी नेक्स्ट टू द आउटडोर ऑफ ए बिल्डिंग, ठीक है ना, एक बड़ा सा होल होता है। टूरिस्ट ने जैसा होता है ना कि कहीं एक बिल्डिंग के बाहर बड़ा सा एक होल हो जिसमें आप वेट कर सकते हैं, है ना। टूरिस्ट वेटेड इन द वेस्टिबुल व्हेन द ट्रेन वाज लेट। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा आंसर है, पूरी स्टोरी को 80 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। आइडेंटिफाई एंड एलेबोरेट अपॉन द थीम ऑफ द स्टोरी। थीम क्या थी स्टोरी की, गिवन ए ब्रीफ समरी ऑफ द इंसिडेंट। द थीम ऑफ द स्टोरी इज दैट हाउ ग्रीड एंड डिजायर, लालच और इच्छाएं किस तरीके से, ठीक है ना, जो मटिल्डा है उसकी लाइफ को खराब करती हैं। द थीम ऑफ द स्टोरी इज दैट हाउ ग्रीड एंड डिजायर टू लिव एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ कुड लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ वंस फ्यूचर, ठीक है। मटिल्डा हैज एन इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ऑफ बींग पुअर इवन वेन शी हैड ऑल शी नीडेड, ठीक है। मटिल्डा को इस चीज का भी खेद था कि यार वो गरीब है, ठीक है यार गरीब है, क्या दिक्कत है, जितना भगवान ने दिया उतने में खुश है, क्या प्रॉब्लम है ना, ऐसे रहना चाहिए था। बट उसको इन्फीरियरिटी दिखी, यार मैं गरीब हूं, मेरे फ्रेंड्स अमीर हैं।
शी इज प्रिटी एंड चार्मिंग बट लिव्स ऑन क्लाउड नाइन. प्रिटी थी, चार्मिंग थी एंड ट्रेडेड हर हैप्पीनेस फॉर थिंग्स. और अपनी हैप्पीनेस को उसने चीजों के लिए ट्रेड कर लिया, व्यापार कर लिया कि है ना. शी हैड अ लविंग एंड हार्ड वर्किंग हस्बैंड हु वांटेड हर टू बी हैप्पी. लेसन लर्नड हियर इज वन शुड नॉट गो बियॉन्ड देयर कैपेसिटी. हमें अपनी कैपेसिटी से बाहर नहीं जाना चाहिए. इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपनी कैपेसिटी से बाहर नहीं सोचना चाहिए. हमें अपनी कैपेसिटी से बाहर बेशक सोच लेना चाहिए, उसके लिए एफर्ट करने चाहिए और जब कैपेसिटी आ जाए तो अपना जी लो, है ना. तो ये स्टोरी ये बताती है कि हमें चीज अपने एक तो इंसिडेंस ये है कि अगर हमसे कुछ गलती हो गई है तो उसे हमें एडमिट कर लेना चाहिए. और दूसरा इसके इससे हमें ये पता लगता है कि हमें अपनी जो भी हमारी स्थिति है उसके बारे में हमें बुरा नहीं फील करना चाहिए. ठीक है, हमें बुरा नहीं लगना चाहिए उस चीज का कि भाई मैं गरीब हूँ अमीर हूँ इस तरीके से. ठीक है बच्चा, तो ये थी हमारी आज की इम्पोर्टेंट सी वर्कशीट. ओके बच्चा, सो स्टोरी से आपको क्या क्या समझ में आया, क्या आप भी कुछ ऐसा करते हैं तो मुझे कमेंट में बताना. अगर वीडियो अच्छी लगी है और मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.